साथियों नमस्कार। क्या आप मधुमक्खी पालन में अपना सभी रिकॉर्ड रखते हो? अगर नहीं रखते हो तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको मधुमक्खी पालन में अपने रिकॉर्ड्स रखने का क्या फायदा है, और आप सबको भी अपनी मधुमक्खी पालन में जो भी आप विजिट करते हो तो उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो नहीं जानते कि रिकॉर्ड रखने के क्या लाभ हैं। तो साथियों आज हम आपको बताएंगे कि आपको मधुमक्खी पालन में रिकॉर्ड रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो साथियों जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो साथियों बी कीपिंग का जो रिकॉर्ड है वो रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बी कीपिंग का रिकॉर्ड आपको क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बी कीपर जो भी हैं वो उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस प्रकार से हो रही है और उनको आगे बढ़ने के लिए किस तरह की सहायता की जरूरत होती है, तो उन सभी चीजों को आप तभी कर सकते हो अगर आप अपना अच्छा रिकॉर्ड रखते हो। तो साथियों बी कीपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी जनरल प्रोग्रेस को ठीक प्रकार से समझ पाए, ठीक प्रकार से देख पाए, तो उसी के लिए ये जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो कॉलोनियां हैं वो ग्रो कर रही हैं या आपकी मधुमक्खियां ग्रोथ पे हैं या आपकी मधुमक्खियां कमजोर हैं, ताकतवर हैं। इन सारी चीजों का रिकॉर्ड आपको कैसे पता चलेगा जब आप प्रॉपर मेंटेन करोगे अपने रिकॉर्ड्स को। तो साथियों इसके अलावा और आपको कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको रिकॉर्ड करना चाहिए उनके बारे में आपको बताऊंगा कि जो रिकॉर्ड है वो हर डिब्बे की जो इन्फेक्शन करते हैं हम उनको एक एक चीज का बड़ी बारीकी से आपको एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए जिससे आपका एक प्रोग्रेस चार्ट बन जाएगा और आपकी जो कॉलोनी है उसके अंदर गहराई से फिर आप जांच पड़ताल कर पाओगे। जब भी आप इंस्पेक्शन करोगे तो उस समय आपका जो रिकॉर्ड आपने रखा हुआ है पहले का वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके जो प्रोग्रेस है, आपकी जो हर इंस्पेक्शन है उसमें आपको पिछला जो रिकॉर्ड आपने देखा था उसकी भी याद दिलाएगा कि आपने पहले क्या क्या देखा था और अब आपकी कॉलोनी में किस प्रकार के चेंजेज हैं, किस प्रकार की ग्रोथ है या उसमें किसी और चीज को नहीं शामिल करना है, तो उस चीज को बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप अच्छे से मॉनिटर कर सकें उसकी जो कंडीशन है वो किस प्रकार की है। तो साथियों इसके अलावा रिकॉर्ड को जो रखने का जो काम है वो आपको लास्ट टाइम जो भी आपने देखा है उसको आपने क्या ऑब्जर्व किया है, किस प्रकार की आपने उसमें कमियां पाई हैं, किस प्रकार की आपने उस कॉलोनी की देखभाल करते समय आपने विजिट करते हुए क्या क्या चीजें उसमें आपने कमियां पाई हैं, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड जो है वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बी कॉलोनी को देखोगे उसमें आपको नजर आएगा। इसके अलावा साथियों आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस किस तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत है अगली बार जब आप विजिट करोगे, तो पिछली बार अगर आप कोई चीज नहीं लेकर के आए हैं तो उसका भी आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी कमियां छोड़ रखी हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो साथियों जो बी कीपिंग का जो रिकॉर्ड्स है वो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि आपकी कॉलोनियों में कौन प्रकार की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं उनको ठीक करने के लिए, और आपने मधुमक्खियों को किस प्रकार से हैंडल करना है उस कॉलोनी को, क्योंकि जो आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको पीछे की जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करके और नई कॉलोनियों को ठीक ढंग से हैंडल करने का एक तरीका आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें साथियों रिकॉर्ड्स के साथ ही पता चलेंगी। अगर आप सब रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो ध्यान में नहीं रहेंगी, तो इस वजह से आपका मधुमक्खी पालन का जो है काफी नुकसान हो सकता है। तो साथियों मैनेजमेंट रिकॉर्ड जो है एक बी कीपर्स के पास, उसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल बी कीपर्स हैं वो अपने बेनिफिट के लिए जो उनको लाभ हुआ है, कितना शहद निकाला है, कितना उन्होंने बेचा है और कितने उन्होंने फीडिंग की है, इस प्रकार के रिकॉर्ड्स तो रखते ही हैं सभी, क्योंकि वो सारी की सारी जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती हैं
उसको शो करता है कि क्या हमारे पास से गया और क्या आया। लेकिन साथियों, आपको मधुमक्खियों की बहुत ही ज्यादा बारीकी से आपको जांच पड़ताल करने के लिए भी इसी प्रकार के रिकॉर्ड्स जो है वो रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो साथियों, इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो जिस प्रकार से हम और चीजों के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इस चीज का भी रिकॉर्ड बनाना है कि आपकी कॉलोनी की जो बारीकियां हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको आप सब किस प्रकार से पॉइंट आउट कर सकते हो, किस प्रकार से उनको सही ढंग से आप सब देखभाल कर सकते हो, उसमें कितना हेल्प करेगा, आपकी मधुमक्खियां कितनी ज्यादा स्ट्रांग और कितनी बढ़िया आपकी कॉलोनी होगी। साथियों, बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं उनको पास अगर थोड़ी कॉलोनी है तो उनके जो माइंड में कुछ चीजें तो समझ में आएंगी, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके पास 50, 100 या इससे ज्यादा बी कॉलोनीज हो जाती हैं तो उस समय तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। क्योंकि आप जब बहुत सारी बी कॉलोनीज को विजिट करते हैं तो आप में किसमें क्वीन थी, किसमें नहीं थी, किसकी बूढ़ी हो गई है और किसमें वर्कर कम थे, किसमें ब्रूड ज्यादा था, किसमें अंडे ज्यादा थे, तो इन सारी चीजों का आपके दिमाग में कभी भी डाटा इकट्ठे नहीं रहेगा, आपको एकदम से याद नहीं आएगा। तो उसके लिए साथियों, आप सब एक रिकॉर्ड मेंटेन जरूर करें। तो साथियों, ये सारा का सारा जो डाटा है वो आपको उस समय हेल्प करेगा जब आपको कॉलोनियों की ग्रोथ करनी होगी और आप जब सिलेक्ट करेंगे कि आपकी कौन सी कॉलोनी बेस्ट है, तब आपकी ये जो रिकॉर्ड है, जो डाटा कलेक्शन है आप कर रहे हो, ये उस समय आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि पूरे रिकॉर्ड्स के साथ ही आप अपनी कॉलोनी में कौन सी कॉलोनी बेस्ट है, कौन सी कमजोर है, कौन सी ताकतवर है, उन सारी कॉलोनियों का जो डिसीजन है वो डाटा के अकॉर्डिंग ही हो सकता है। अदरवाइज आप ये बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पाओगे कौन सी कॉलोनियां कमजोर है, कौन सी कॉलोनियां जो है ताकतवर है। तो साथियों, जब आपकी जो कॉलोनियां हैं वो रिकॉर्ड आप रखोगे तो उसमें आपको जब क्वीन तैयार करनी होगी, तो साथियों क्वीन ऐसा ही नहीं है कि आप किसी भी कॉलोनी से आप अपनी क्वीन तैयार करोगे, आप अपनी जो बेस्ट कॉलोनी है उससे आप अपनी क्वीन तैयार करोगे तो आपकी जो कॉलोनियां हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगी और आपकी जो बेस्ट क्वीन है वो तैयार होगी, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक महसूस होगा। और साथियों, आप सब इस चीज को करके देखें, जब आप कुछ दिनों तक इसको मेंटेन करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी रिकॉर्ड मेंटेन करने की, और उसके बाद आपको बहुत सारी जो सुविधा है, बहुत सारी जो आपकी मधुमक्खियों की ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। क्योंकि जो कमियां होती हैं उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे तो वो आपकी जो बी कॉलोनी है वो ग्रो नहीं करेगी, और बहुत सारी जो बी कॉलोनी है वो आपकी पीछे रह जाएंगी, आपकी जो कॉलोनियों की कमियां हैं उनको दूर नहीं कर पाओगे। तो उन कमियों को दूर करने के लिए साथियों, रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखें, अपनी बी कॉलोनीज का, आपके बी हाइव कितने हैं और बहुत तरह का इस तरह का डाटा है। तो साथियों, आज हम आपको यही बता रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड रखना किस लिए जरूरी है। नेक्स्ट इसी सीरीज में हम एक और नई वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको रिकॉर्ड किस प्रकार से रखना चाहिए, और आपके रिकॉर्ड से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप सब कमेंट में पूछ सकते हो। एक वेल मेंटेन्ड आपको रिकॉर्ड किस प्रकार से बनाना है उसको आपको हम नई वीडियो जो अगली आएगी उसके अंदर हम आपको शो करेंगे। तो साथियों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।